नमस्कार दोस्तों, आप सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा केबल डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए ये कितना खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे इसे आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन जैकेट कोटी में डालिए, इसे आप टॉप में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, बच्चों के कार्डिगन में डालिए, आप इसे कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन 4 लाइन में कंप्लीट होता है, तो इन्हीं 4 लाइनों को आपको ऊपर ऊपर दोहराना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं डिज़ाइन डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, वैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूँगी। आप इसे पहली लाइन समझें। डिज़ाइन सामने किस तरफ से स्टार्ट होगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, फिर उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा, पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन हो गया, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर, देखिए 4 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन और मेन लाइन है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए, ये 4 जो सीधे फंदे हैं, तो पहले दूसरे फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे। पहले दूसरे वाले फंदे में ऐसे बैक की तरफ से सिलाई डालेंगे और पहले वाले फंदे में ऐसे बाईं सिलाई को ऐसे फ्रंट की तरफ से डालेंगे और यूँ ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। अब दूसरे फंदे को भी बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब अगले 2 फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे गिरा देंगे, पहले वाले फंदे को बाईं सिलाई में लेंगे और दूसरे वाले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से दाएं सिलाई में लेंगे और ऐसे खींच के आगे की तरफ ऐसे चढ़ा देंगे। अब दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदा उल्टा,
अब चार फंदे हैं तो इन दूसरी ओर करेंगे। पहले दो फंदे को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, दूसरे वाले फंदे में दाहिनी सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से ले जाएंगे और पहले वाले फंदे बाईं सिलाई में ऐसे सामने की तरफ से ले जाएंगे। इसे आपस में ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। अब दोनों फंदों को बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब तीसरे और चौथे फंदे को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो इन दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे। पहले वाले फंदे को बाईं सिलाई में लेंगे, दूसरे वाले फंदे को सामने की तरफ से दाहिनी सिलाई में लेंगे और ऐसे खींच कर वापस बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, चार फंदों में ये केबल डिज़ाइन बन रहा है। तो पहले और दूसरे फंदे को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो दाहिनी सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में डालेंगे, पहले वाले फंदे को ऐसे गिरा देंगे। अब इसे हम बाईं सिलाई में सामने की तरफ से लेंगे, दोनों को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। अब दूसरे वाले फंदे को भी बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब तीसरे चौथे फंदे को भी हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे गिराएंगे, तीसरे वाले फंदे को पीछे की तरफ से बाईं सिलाई में लेंगे और चौथे फंदे को सामने की तरफ से दाहिनी सिलाई में, और ऐसे इसे ट्विस्ट कर देंगे। अब चौथे फंदे को भी बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, दो फंदा उल्टा और चार फंदे को हमें ट्विस्ट करना है, पहले को दूसरी की जगह पे और दूसरे को पहले की जगह पे। पहले वाले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से ले जाएंगे और दोनों को सीधा बुन लेंगे, दोनों को सीधा बुन लेंगे। अब तीसरे और चौथे फंदे को आपस में ट्विस्ट करेंगे, तीसरे वाले फंदे को पीछे की तरफ से चौथे की जगह पे ले जाएंगे और चौथे वाले फंदे को सामने की तरफ से तीसरे वाले फंदे की जगह पे। फिर दोनों को बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे और इन्हें हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। अब लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में, तो रॉन्ग साइड में पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा, यानी हमारा दूसरा लाइन। जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हमें सीधा बुनना है और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हमें उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।